सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है यहाँ पे लेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन देख के पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाला है। गाइस, आप लोगों ने कुछ कमेंट किया था कि यहाँ पे जैसे मैं काइन मास्टर पर वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो वहाँ पे मुझे जो है लेयर प्रॉब्लम दिखता है, मतलब जो एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो देता हूँ तो वहाँ पे लेयर प्रॉब्लम क्यों आता है, तो प्लीज़ बताओ। तो आप लोग का जो है क्वेश्चन का मैंने जो है मैं वीडियो, आप लोग का पता है कि जब मैं आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उसका वीडियो ही बनाकर बता देता हूं। तो गाइस, आज का इस वीडियो में काफी ज्यादा जो है आप लोग को हेल्प मिलने वाला है। अगर आपका वीडियो में लेयर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो लगाते हो वहां पे अगर आपका लेयर प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को देखकर आप सोल्यूशन ले सकते हो। जी दोस्तों, आज का इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही एक न्यू वीडियो अपलोड हो आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बनाए देखिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फोन का होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। अनेक बात गाइस, यहाँ पे काइन मास्टर आप लोग को ओपन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। काइन मास्टर ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने काइन मास्टर ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं कोई सा वीडियो अभी सेलेक्ट नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं आप लोग का प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग का सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है अपने फोन में, तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है मीडिया ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड, इसको इनेबल कर लेना आप लोग को। और यहाँ पे लिखा होगा ऑडियो ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड, तो इसको भी इनेबल कर लेना है, ठीक है। तो मेरा दोनों इनेबल है, तो जो जो प्रोसेस है मैं आप लोग का कंप्लीट तरीके से बता देता हूँ। अब गाइस आता है यहाँ पे, देख सकते हो एडवांस एंड यहाँ पे एडवांस एंड एक्सपोर्ट मैनेजर सेटिंग्स, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आप लोग का। मीडिया ब्राउजर यहाँ पे देख सकते हो, हिम यहाँ पे लिखा है हेरामेंचल मोड, तो आप लोग का इसका जो है इनेबल कर देना, ठीक है। सो ऑडियो यहाँ पे जो है एम्पोलेट मेटर वेम रिकॉर्डिंग वीडियोस, तो इसको भी आप लोग का इनेबल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ऑडियो शो कर देगा। तो यहाँ पे हम आप लोग का बात करते हैं इनेबल सेविंग विथ अप टू सेट FPS, तो इसको जो है FPS पर क्लिक कर ले क्योंकि आपका जो यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी है इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों इनेबल करके रखा। और यहाँ पे अनलिमिटेड वीडियो लेयर देख सकते हो, लेयर लिखा हुआ है अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना लेयर यहाँ पे आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अभी आप लोग का प्रॉब्लम आता है यहीं से आता है, ऑन दिस फ्यूचर में कुछ यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम। तो सिंपली से आप लोग को इसको यहाँ पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। करने के बाद आप लोग का गाइस एक चीज और करनी है, ठीक है। तो आप लोग का अभी हुआ नहीं, यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, सिंपली से इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग का करना क्या होगा, सिंपली से यहाँ पे देख सकते हो कि FHD है, मतलब अभी जो है FHD है। तो यहाँ पे जब आपका होगा 780 होगा या 720 होगा, मुझे उतना याद नहीं, 720 होगा शायद, ठीक है। यहाँ पे मेरा अभी 720 था, मैंने उसको हटाया ऑलरेडी। तो जो जो प्रोसेस है मैं वो बता रहा हूँ आपको कैसे हटाएं, तो सेम प्रोसेस करना है, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे 3 डॉट का जो है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है 3, यहाँ पे डॉट है, तो सिंपली से 3 डॉट पर क्लिक करके हाई रेगुलेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हाई रेगुलेशन पर जैसे ही क्लिक करें यहाँ पे लिखा होगा अनइनिशिएट नाउ, इस पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे राइट साइड में जो लिखा होगा सिंपली से इस पर क्लिक कर देना। ये हार्डवेयर परफॉर्मेंस आप लोग को पूरा होने देना है, हार्डवेयर परफॉर्मेंस पूरा हो जाएगा तो ये आप लोग का प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व होगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा जो है यहाँ पे इसको पूरा होने देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो है ये पूरा हो चुका है। होने के बाद गाइस यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आप लोग को करना क्या होगा, सिंपली से मैं अपना वीडियो ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर लिया। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे लेयर पे जाता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस देख सकते हो मेरा भाई कोई भी अभी लेयर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी डालूँ तो यहाँ पे मेरा लेयर प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो इस तरह से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह से जो है आप यहाँ पे लेयर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आप लोग को 100% पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे एक न्यू वीडियो अपलोड हो आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।